एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब यहां से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपए मांगे। देखिए यदि यहां आपके कुछ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसन से 5 रुपए मांगे, पड़ोसन से 5 रुपए मांगे तो उसने 5 रुपए का चूना खरीदा। चूना बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपए का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया, बढ़िया बनाया और छोटे छोटे पॉलिथीन में एक एक चम्मच चूना भरा आग से। उस जमाने वो नहीं थी मशीन, आग से उसने उसको ठीक किया और उसने 50 पुड़िया बनाई और 50 पुड़िया दुकानों में बेची 1-1 रुपए की। 5 रुपए से उसने 50 रुपए कर लिए एक दिन में। 50 रुपए में से 5 रुपए वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा, 45 रुपए से उसने पॉलिथीन खरीदी, भर भर के उसने बढ़ाया, बनाया बनाया। उसने 100 रुपए बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 10000 बनाए, 1,00,000 बनाए, 50,00,000 बनाए। बहुत संपन्न सफल बन गया, अब तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, चूने का बहुत बड़ा कारोबार। एक आम व्यक्ति की कथा है ये। आप ये कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं है व्यापार कैसे शुरू करें, ना व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए ना कि पैसा, पैसा तो बाद का विषय है, आ ही जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि कहां से आप शुरू कर सकते हैं, ईश्वर ने कौन सी क्षमता आपको दी है, क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते। रोने से क्या, महाराज जी पैसे तंगी चल रही है, पैसे नहीं है, अरे जब कुछ करोगे नहीं, अकर्मण्य हो के घर में बैठे हो तो रोना तो पड़ेगा पैसों के लिए। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है, इसलिए क्योंकि लोग अकर्मण्य होके बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए, कौन देगा बैठे बैठे। जितनी हमारे पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया, पंजाब की कहावत है जिन खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआ खोदेगा तो पानी मिलेगा, जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा, वो पाएगा जो मेहनत करता है, जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पांव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं, 2 साल तो नौकरियां ढूंढने ढूंढने में लगा दिया, जो पढ़ा था सब भूल गए। चलिए अब आप देखिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिना पैसों के भी आजकल सरकार ने लघु उद्योग दिए हैं, लघु उद्योग डाली, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम, अपना मकान, सब खुद का हो और आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए, 10 लोगों को काम पे रखिए, 50 लोगों को काम पे रखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है, यही हमारे आने वाला भारत, ऐसा होना चाहिए भारत। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि केवल नौकरी चाहिए बस, ना ना, हमें तो 10 लाख हमें कोई कहे 10 लाख की नौकरी कर लो, 10 लाख रुपए महीने देंगे तो हम नहीं करेंगे 10 लाख की नौकरी, क्या करेंगे नौकरी करके। हमने कितने लोगों को IAS IPS की नौकरी छोड़ते देखी है और वो बाद में सफल व्यापारी बने, उनको दिमाग ज्यादा था, उनको लग रहा था मैं तो नौकरी में बंध गया हूँ, बस इतना ही करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना काम है, जबकि मेरा दिमाग तो ज्यादा था। तो ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा लाभ लीजिए ना उसका, सीमित बांधेंगे क्यों। बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे मन लगा के पढ़ें, उद्देश्य क्या है हमारा उस पर काम करें। और एक चीज विशेष जो कि आज बच्चे ख्याल नहीं रखते, आज बच्चे बचपन में बिगड़ जाते हैं, कैसे बिगड़ जाते हैं, गलतियां कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, हमारी छोटी छोटी बहनों, हमारे छोटे छोटे भाई, आजकल इन बच्चों को ना प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लिया, किसी लड़के से प्यार कर लिया, अभी गोल गोल रोटी बनाते नहीं आती पर प्यार करना जानती है, अभी मोबाइल में रिचार्ज कराना नहीं जानता कि 300 रुपए का रिचार्ज करा ले अपने मोबाइल में, नेट डलवा ले, परंतु वो प्यार करना अच्छे से जानता है, प्यार करता, लड़कों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता, और प्यार वर्ष नहीं लेकर के भाग जाते हैं, हाथ पकड़ के भाग गए, चलो शादी कर लेंगे।
आज बच्चे हमारे भारत के तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका दिमाग प्यार व्यार में लग जाता है, वो व्यापार की तरफ सोचते नहीं, बिजनेस की तरफ जाते नहीं। अब प्यार से जब सुलझेंगे तब कुछ सोचेंगे, अब यहीं उलझ गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को बहुत जरूरत है संस्कारों की। माँ बाप से कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है और घर में पैसा कितना है। अक्सर लोग यही पूछते हैं, आपका बेटा करता क्या है, आपका बेटा क्या करता है, मतलब आपके बेटे को, आपके बेटे से सबको मतलब है, आपके बैंक के बैलेंस से किसी को मतलब नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके संस्कार आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और आप तो केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों को संस्कार ना देकर माँ बाप भागते जा रहे हैं। भाग कहाँ जाओगे, रुकोगे कहाँ, ठहरोगे कहाँ, कहाँ भाग दौड़ शांत होगी आपकी। इसलिए बच्चों को योग बना दो, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। आज शादियां बच्चे मर्जी से कर लेते हैं, नौजवान बहनों को प्यार हो जाता है। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा ठीक है। बोले शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मत करो, माँ तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं है ना, तो फिर शादी क्यों करनी है। बोले हम इस लड़की से प्यार करते हैं। हमने कहा पगले, तू तो प्यार करता है, तू शादी कर लेगा, तेरी माँ का क्या होगा, तू एक ही बेटा है ना। हाँ हाँ मैं एक ही बेटा हूं अपनी माँ का। मैंने कहा कि अच्छा शादी कर लेगा फिर तेरी माँ का क्या होगा, तेरा क्या होगा। बोला मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरे शहर रहूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो जिस माँ ने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र साफ किया है, ये उसे छोड़ने की बात कर सकता है, तो तेरे साथ कितने दिन रहेगा, तुझे भी कभी छोड़ देगा। जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे कितने दिन रखेगा। और ये छोटी छोटी बातें हमारी बेटियां समझती नहीं है, हमारी बहनें समझती नहीं है। इन्हें कोई समझाता है तो उन्हें लगता है ये पागल है, और जब गुजरती है ना तब रोती रोती आती है। जब हाथ से सब निकल जाता है, अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या बचा। शादियां विचार करके करना मेरी बहनों। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैं जमाना घूमता हूं, लव मैरिज की हुई शादी 99% फेल होती हैं। बाद में लड़कियां रोती आती हैं कि जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, गलत निर्णय था मेरा, पर अब ज्ञान आया तो इस ज्ञान का अब क्या करेंगे। ये ज्ञान पहले आ गया होता तो बात कुछ बन जाती। इसलिए जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ को छोड़ने की बात करता हो, उसको आप कितने दिन अच्छी लगोगी। और ये समझो मेरी बहनों, कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता, प्यार तो केवल शरीर से है। शरीर की हवस पूरी कर लेगा, शरीर की केवल भूख पूरी कर लेगा और छोड़कर चला जाएगा। कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में अपना चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा। साबुन कपड़े को, दाग को, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो साबुन छुड़ा देगा, पर चरित्र पर दाग लग जाएगा तो कोई साबुन नहीं बना जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए आपको ही आपके चरित्र की रक्षा करनी पड़ेगी। आजकल हमारी बहन बेटियां स्कूल, माँ बाप भी अंधे कम नहीं है, आजकल तो माँ बाप भी अंधे हैं। बेटियां पढ़ने बड़े बड़े शहर गई हैं, बेटी चंडीगढ़ पढ़ रही है, बेटी दिल्ली पढ़ रही है, बेटी मुंबई पढ़ रही है। अरे कभी जाओ भी तो सही कि चंडीगढ़ में पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है। आजकल बेटियां हॉस्टल में रहती हैं पढ़ने के नाम पर, और वहां आपने देखा होगा, मैं मुंबई गया, कार्यक्रम था तो मुंबई में समुद्र के किनारे चला गया, भक्तों ने कहा चलिए आपको घुमाते हैं, तो समुद्र के किनारे गया, तो वहां मैंने देखा शाम को 6 बज रहे थे और लड़का लड़की वहां पर समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठे थे, आपस में मधुमक्खी की तरह चिपक रहे थे। हमने पूछा भैया ये सब क्या चल रहा है, बोले ये बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ। हमने कहा अच्छा PhD चल रही है इनकी, ये पढ़ रहे हैं, इनके माँ बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए, जाओ। अब बताओ अंधे माँ बाप है कि नहीं। अरे बेटी परदेश में है तो एक बार हिसाब तो रखना चाहिए, बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। जवान बेटी है, याद रखना, जवान बच्चे बिगड़ जाएं तो बच्चों का कसूर नहीं है, ये उनके समय का कसूर है। वो जवानी होती है ऐसी, जवानी अंधी होती है।
ये तो माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए ना कि माँ बाप की परवरिश में बच्चे रहें। कल को चरित्र बिगड़ जाएगा, सिवा रोने के सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कहता हूं बच्चों का चरित्र संभाल लीजिएगा। और चरित्र की वैल्यू जानते होंगे आप लोग तो मेरी बात समझ में आएगी, और चरित्र की वैल्यू नहीं जान रहे होंगे आप तो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज तो चरित्र का भी कोई अर्थ नहीं बचा। आज तो चरित्र की भी कोई वैल्यू नहीं समझता, ना जरूरत पड़ी किसी को चरित्र की। इसलिए आप अपने बच्चों के चरित्र का ख्याल रखें। बच्चों से निवेदन है मेरा, प्रार्थना है मेरी कि आप अपना चरित्र ना बिगाड़ें। माँ बाप विशेष ख्याल रखें, माँ बाप बच्चों का, नहीं तो कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टा उल्टा चल रहा है। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, पर विचार करो वो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब लड़की भाग जाती है। लड़की के विवाह के कितने सपने संजोए थे माँ बाप ने और लड़की भाग गई, कितना दर्द होता होगा। अरे लड़की को जब माँ बाप सुनते हैं बेटी भाग गई, बेटा भाग गया और शादी कर ली, अब सोचो खुद की शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं किया बच्चों ने, आपका दोस्त आपकी शादी में आपको ना बुलाए आपको बुरा लगता है, उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी शादी में अपने माँ बाप को ही इनवाइट नहीं करते। इसलिए चरित्र का ख्याल रखिएगा, हर बच्चे को हर बच्ची को चरित्रवान बनना है।